संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, निशान या प्रतीक। इसी के आधार पर शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का आदि अनादि एक रूप है। शिवलिंग भगवान शिव और माँ पार्वती का अवतार है। शिवलिंग के इस स्वरूप को अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, जो सबसे पहली जानकारी मैं दे रही हूँ, जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि शिवलिंग का नाम शिवलिंग क्यों पड़ा, तो हम सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऊर्जा और पदार्थ, इसमें से हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है जबकि आत्मा एक ऊर्जा है। ठीक इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। दोस्तों, आज मैं शिवलिंग से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी जानकारी आपको देने वाली हूँ जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। अक्सर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है और हम उसका ढंग से जवाब भी नहीं दे पाते हैं। आज उन सभी का जवाब मैं दे रही हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि शिवलिंग कैसा हो, शिवलिंग किस आकार का घर में रखा जा सकता है, शिवलिंग घर पर कितनी संख्या में रखना चाहिए, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे ढेरों सारे सवाल हैं जिन सभी का जवाब मैं लेकर आई हूँ। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। सबसे पहला प्रश्न है, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर टूटे हुए चावल बिल्कुल ही नहीं चढ़ाने चाहिए, इन्हें अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में टूटे हुए चावल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर कुमकुम और हल्दी बिल्कुल ही अर्पित नहीं करने चाहिए। अगला प्रश्न है, शिवलिंग कितने प्रकार का होता है। तो शिवलिंग तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें उत्तम, मध्य और अधम कहा गया है। क्या शिवलिंग घर पर रख सकते हैं? तो शिवलिंग की रोज़ सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव ना हो तो घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण में कहा भी गया है, घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग बिल्कुल ही नहीं रखने चाहिए। घर के किसी बंद स्थान में भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग का आकार अंडे की तरह क्यों है? शिवलिंग का आकार के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो शिव ब्रह्मांड के निर्माण की जड़ हैं, अर्थात शिव ही वो बीज हैं जिसे पूरा संसार बना है, इसलिए शिवलिंग का आकार अंडे जैसा है। कौन सा शिवलिंग अच्छा होता है? दोस्तों, घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ होता है। इसे गृहस्थ जीवन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। शिवलिंग जब भी घर में रखें छोटे साइज का रखें। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे से ज़्यादा बड़े साइज की नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्यों? हम सोचते हैं शिवलिंग तो शिवलिंग ही है, फिर वो किसी भी साइज़ की हो, पर यदि गौर आपने किया होगा तो आप जानते हैं जब भी घर में शिवलिंग बड़े आकार का होता है तो हमारे घर में कुछ न कुछ घटित होता रहता है। अक्सर ये घटना विचलित कर देने वाली होती है। दरअसल शिवलिंग से लगातार बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत ही तीव्र और अद्भुत निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है। हमारा मानव शरीर बहुत ही संवेदनशील होता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम शिवलिंग को छूते हैं, उसका अभिषेक, उसका पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे में एक दिव्य आभा या फिर दैविक ऊर्जा का एहसास होता है। ये एहसास शिवलिंग से निरंतर निकल रही उस ऊर्जा के कारण होता है। चूँकि हम मानवों के मस्तिष्क की संरचना बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती है और इसलिए इस तीव्र निकल रही ऊर्जा को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उस ऊर्जा के लगातार संपर्क में रहने के कारण शरीर विचलित और मन बेचैन हो उठता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि या साधु संत सबसे ज़्यादा जिनकी आराधना करते हैं वो शिवलिंग है। उनका मन और मस्तिष्क जब तप के कारण उस अद्भुत ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। कई बार हम महसूस करते हैं किसी व्यक्ति से हमारा परिचय नहीं होने के बावजूद भी हम उसकी ओर खिंचाव और लगाव महसूस करते हैं। ऐसा सिर्फ उनके शरीर से निकलने वाली उस तीक्ष्ण ऊर्जा के कारण ही होता है। जब एक मानवीय शरीर से
आ रही ऊर्जा से हम प्रेरित हो रहे हैं तो समझिए शिवलिंग में कितनी ऊर्जा निकल रही है। यही कारण है कि बड़े आकार के शिवलिंग को घर में रखने की अनुमति हमारा शास्त्र नहीं देता है। घर में एक ही शिवलिंग रखना शुभ होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। घर में एक शिवलिंग की ऊर्जा का प्रवाह बिना बाधा के पूर्ण होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, चंदन, धतूरा आप जरूर अर्पण करें। बेलपत्र को बहुत ही शुभ और मनोकामना पूर्ति के लिए संपूर्णता का वरदान है। तुलसी और केतकी की फूल शिवलिंग पर किसी भी कारणवश भूलकर भी नहीं अर्पण करना चाहिए। हमें केतकी और तुलसी के पुष्प क्यों नहीं अर्पण करने चाहिए, इसके लिए हमने पहले भी वीडियो डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। शिवलिंग पर निरंतर जलधारा होने से उससे निकलने वाली ऊर्जा हमें दिव्य शक्ति से सराबोर कर देती है। आपने महसूस किया होगा मंदिर में शिवलिंग के ऊपर लगातार जल गिरता रहता है, कोई ना कोई उसके ऊपर आकर जल की धारा जरूर डालता है जिससे शिवलिंग गीला रहता है, यानी कि शिवलिंग को सूखा नहीं रहना चाहिए। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है और वो है उससे निकलने वाली ऊर्जा। उससे निकलने वाली ऊर्जा हमेशा शांत और अच्छी रहे, आपके उस वातावरण को बहुत ही सकारात्मक तौर पे बनाए रखे, इसके लिए निरंतर शिवलिंग को गीला रहना जरूरी है। शिवलिंग को ईशान कोण में हमेशा स्थापित करें। ईशान कोण को गुरु के लिए उत्तम स्थान दिया गया है, इसीलिए शिवलिंग और गुरु बृहस्पति का हमेशा इस दिशा में ही स्थान दिया जाता है। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए लगातार हमारे संपर्क में बने रहें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।